नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। हम क्लास टेंथ के जो एक्सरसाइज आपकी 7.1 चल रही थी उसी के प्रश्न हम देख रहे हैं, तो उसी क्रम में अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 18 में लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन थीटा इंटू 1 प्लस का टेन थीटा प्लस का कॉस थीटा और 1 प्लस का कॉट थीटा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब कभी भी इस तरीके की कंडीशन आए तो हमें इन दिए गए मानों को साइन और कॉस में परिवर्तित करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस टेन थीटा और इस कॉट थीटा को साइन और कॉस के पदों में परिवर्तित करेंगे। तो ये साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा, 1 प्लस का इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। प्लस में कॉस थीटा एज इट इज, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस का कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है जी। अब स्टेप आएगा लसअप का, एलसीएम का। तो यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा, इसे हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, बट्टे में क्या आएगा हमारे पास, कॉस थीटा आएगा। प्लस में कॉस थीटा यहाँ पर ही, इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा और बट्टे में कितना, साइन थीटा, ठीक है जी। चलिए अब सिंपल सी बात यह है कि यहाँ से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, ठीक है। और हमें जो आंसर लेके आना है वो कॉसेक थीटा और सेक थीटा के रूप में लेके आना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से उभयनिष्ठ ले लेते हैं, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा हमने उभयनिष्ठ ले लिया, ठीक है। अंदर बचेगा क्या, यहाँ से देखते हैं, अंदर जो है यहाँ पर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बचेगा और कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो हमें मिलेगा यहाँ से साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस में क्या, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ठीक है। अब देखिएगा, इसे हम टेन और कॉट लिख सकते हैं, लेकिन हम टेन और कॉट लिखेंगे नहीं, हम क्या लेंगे, लसअप लेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना, क्योंकि हमें आंसर सेक और कॉसेक के रूप में लेके आना, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम आएगा। साइन थीटा के साइन थीटा से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा के कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, कॉस थीटा साइन थीटा हर वाला एज इट इज, गुणा में कितना, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ठीक है जी। हमने यहाँ पर क्या प्रयोग में लिया, हमने यहाँ पे प्रयोग लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, एक के बराबर लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस कॉस थीटा साइन थीटा को इन दोनों में हम भाग देंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहां से हमें प्राप्त होगा, जैसे भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा बट्टे में कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब एक साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या मिलेगा, सेक थीटा मिलेगा, प्लस एक कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 अपॉन साइन थीटा क्या मिलेगा, हमें कॉसेक थीटा मिलेगा, ठीक है। और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है जी। चेक कर लीजिए, कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा हमें लेके आना था, तो हमने यहाँ से कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा हमारा आ गया, ठीक है जी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा टेन थीटा साइन थीटा और कॉसेक क्यूब थीटा। ये कॉसेक क्यूब थीटा है या कॉस क्यूब थीटा, एक बार चेक कर लेते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 19 में, है ना, ये हमारे पास है कॉसेक क्यूब थीटा ये। चलिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का टेन थीटा
इंटू साइन थीटा प्लस का कॉस सेक क्यूब थीटा। ठीक है, कॉसेक ही है प्रश्न क्रमांक 19 में, नहीं ये प्रश्न क्रमांक 19 में कॉस क्यूब थीटा है, कॉसेक नहीं है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, कॉस क्यूब थीटा है ना, और ये अपना सेक थीटा, तो ये अपना कॉस क्यूब थीटा। ठीक है जी, चलिए अब सबसे पहले यहाँ से हमें परिवर्तित करना पड़ेगा। देखिए ये आपका, देखिए भाई इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉस थीटा ओबेनिस्ट आ रहा है, तो मैं कॉस थीटा ओबेनिस्ट ले लेता हूँ, बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ पर बचेगा केवल साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में ये कॉस क्यूब थीटा में से कॉस थीटा ओबेनिस्ट आएगा, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। हमने क्या किया, इन दोनों टर्म से जो है वो कॉस थीटा ओबेनिस्ट लिया। प्लस में क्या आपने पास टेन थीटा, एक बार इसे पढ़ा रहने देते हैं, टेन थीटा इंटू साइन थीटा, देखते हैं क्या बनता है। ये तो हो जाएगा अपने पास किसके बराबर, एक के बराबर, तो हमें मिलेगा यहाँ से कॉस थीटा इंटू एक प्लस का। अब इसे भी परिवर्तित कर देते हैं किसमें, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा में, ठीक है, और गुणा में हमारे पास क्या पड़ा है, साइन थीटा पड़ा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो कॉस थीटा की कॉस थीटा से गुणा होगी, तो क्या मिलेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, और बट्टे में कितना आएगा अपने पास कॉस थीटा आएगा। ठीक है जी, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, बट्टे में कितना कॉस थीटा, एक बट्टा कॉस थीटा कितना बनेगा, सेक थीटा बनेगा, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। तो हमने किसका प्रयोग किया, एक तो किया हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके, एक का, और टेन थीटा को हमने क्या लिखा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, और लास्ट में हमने एक बट्टा कॉस थीटा को क्या लिखा, सेक थीटा के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सूत्र जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने प्रयोग में लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जो 20 है वो प्रश्न क्रमांक 17 के समान है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इसको मैं वापस नहीं करवा रहा। ठीक है, जो प्रश्न क्रमांक 17 है वही 20 है। प्रश्न क्रमांक 21 देखते हैं, इसे मैं 3 स्टार लगा रहा हूँ, 3 क्या, इसे मैं 4-5 स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दे रखा है, साइन ए प्लस का कॉसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में कॉस ए प्लस का सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से, यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 times साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, और प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए, है ना, ये हमने पहला ब्रैकेट खोला ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। अब दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 times कॉस ए इंटू सेक ए, और प्लस का कितना सेक स्क्वायर ए। ठीक है जी, ये हमारा दूसरा ब्रैकेट। हमने फॉर्मूला कौन सा प्रयोग में लिया, क्योंकि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो कितना होता है हमारे पास, ये होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर होता है, इस फॉर्मूले का प्रयोग हमने अभी किया। ठीक है, अब ध्यान देना राइट हैंड साइड में हमें 7 लेके आना है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक एक करके इनको अंकों में परिवर्तित करना है। तो देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, है ना, ये दोनों जुड़ करके कितना बना देंगे, ये साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए कितना बना देगा, एक बना देगा, बात समझ आ रही। साथ ही साथ इस कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin a, और इस सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos a, तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को पास पास में रख देते हैं। ठीक है, और प्लस में, प्लस में 2 times साइन ए, और गुणा में कॉसेक ए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin a, और प्लस का कितना है कॉसेक स्क्वायर
ए, ठीक है, प्लस में, प्लस में क्या, टू टाइम्स यहाँ पर कॉस ए है, ठीक है, और सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस ए, और प्लस में यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है जी। देखिए भाई, इस कोसेक ए को हमने वन अपॉन साइन ए लिखा और इस सेक ए को हमने वन अपॉन कॉस ए लिखा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को पास पास में रख दिया, ठीक है। अब फायदा क्या होगा, ये तो बना देगा अपने पास एक, है ना, प्लस में, ये साइन ए से साइन ए कट जाएगा, दो देगा प्लस, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए तो कोसेक स्क्वायर ए हम लिख लेते हैं, ठीक है, ये कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, कितना देगा, दो, और ये अपने पास कितना है, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। काउंट करो, एक दो और दो, दो दो चार एक पाँच, पाँच प्लस का क्या, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए, ठीक है। लेकिन हमें ना तो कॉसेक स्क्वायर ए चाहिए, ना सेक स्क्वायर ए चाहिए, और ना ही पाँच चाहिए, हमें पाँच की जगह क्या चाहिए, सात चाहिए। देखो, सात चाहिए, टेन स्क्वायर ए चाहिए और कॉट स्क्वायर ए चाहिए। तो देखते हैं यहाँ से, इस कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस का कॉट स्क्वायर ए, है ना, और इस सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस का टेन स्क्वायर ए। अब आप खुद देख सकते हो, पांच में एक जुड़ेगा छः और एक सात, तो क्या बनेगा, सात प्लस का कॉट स्क्वायर ए और प्लस का टेन स्क्वायर ए, ठीक है जी। और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, है ना, साइन ऑफ प्रोसीडिंग हर एक स्टेप में लगाना चाहिए, उत्तरोत्तर प्रगति का चिन्ह, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये मामला आपको समझ में आ गया होगा और हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर दिया, फाइव स्टार दिया है इसको, है ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है हमारे पास, साइन की घात आठ थीटा माइनस कॉस की घात आठ थीटा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, ठीक है, ये हमारे पास कितना है, साइन टू दी पावर एट थीटा माइनस कॉस टू दी पावर एट थीटा, ठीक है। अब पहले भी मैंने आपको सूत्र बताए थे, फिर से देख लीजिए, अगर हमें बोला जाता है ए की पावर आठ माइनस बी की पावर आठ, है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर चार का स्क्वायर माइनस बी की पावर चार का स्क्वायर। अब इसे ए मानो, इसे बी मानो, तो हमारे पास क्या आएगा, ए की घात चार प्लस बी की घात चार और गुणा में कितना, ए की घात चार माइनस बी की घात चार। अब इसे तो तोड़ेंगे नहीं, इस पास वाले को और तोड़ सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, और ये ए की घात चार प्लस बी की घात चार एज इट इज रहेगा। तो हमने इस तरीके से ए की घात आठ माइनस बी की घात आठ को तोड़ा। अगर ए की घात सोलह माइनस बी की घात सोलह होता तो सोलह आठ में कन्वर्ट होता, आठ चार में, चार दो में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। इस तरीके से हम कितनी भी घात को सरलतम घातों में परिवर्तित करते जाएंगे और उत्तरी गुणनखंड बनते जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन की पावर फोर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस टू दी पावर फोर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास क्या देगा, एक तो देगा साइन टू दी पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा, क्योंकि ए और बी के स्थान पर हमने यहाँ पर साइन और कॉस प्रश्न में दिया गया। ये तो हमारे पास हो गया प्लस वाला, अब माइनस वाला क्या होगा, साइन टू दी पावर फोर थीटा माइनस कॉस टू दी पावर क्या आएगा, फोर थीटा के बराबर। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, इसके और टुकड़े हो रहे हैं, देखते हैं कैसे टुकड़े हो रहे हैं इसके। ये तो हमारे पास एक बार हम वैसे ही रखते हैं, साइन टू दी पावर फोर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर फोर थीटा, हालांकि हमारे राइट हैंड साइड में ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब इसको भी हमें परिवर्तित करना पड़ सकता है, और ये चीज़ हमने पहले भी देख रखी है, पहले एक दो सवालों में ये चीज़ आ रखी है, आपको याद होगा, टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ना था और टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घटाना था, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, घात चार को साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और गुणा में कितना, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट यहाँ तक पहुँच गया। अब देखिएगा, ये तो अपने पास बन जाएगा एक, ठीक है, ये अपने को राइट हैंड साइड में दे रखा है, और अब इसको हमें इसके बराबर लेकर के आना। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे,
ये गुणा में तो मैंने क्या लिख दिया, एक लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये एक कहाँ से आया, एक कहाँ से आया, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हम एक के बराबर लेते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए अब क्या होगा, इसको चेंज करने के लिए काम करते हैं, साइन टू दी पावर फोर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर फोर थीटा में एक बार जोड़ेंगे टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और एक बार घटाएंगे टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब देखिएगा, अब इसके पश्चात ये राशि एज इट इज हमें रखनी है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। चलिए अब ये बन जाएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस का टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस का टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और गुणा में कितना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब देखिएगा ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, यहाँ तक केवल, है ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में क्या है, टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसका एक्सरसाइज में भरपूर प्रयोग हमें देखने को मिला है। और गुणा में क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। चलिए अब ये तो बन जाएगा अपने पास एक माइनस का टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो गुणा में पड़ा है वो गुणा में एज इट इज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है और सिद्ध हो गया, इसलिए मैंने हैंड्स प्रूफ लिख दिया, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला जो है वो कौन सा प्रयोग में हुआ है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आया हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ना, ये किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमने इस संपूर्ण राशि को इस छोटे से रूप में परिवर्तित कर दिया, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, तो एक का स्क्वायर भी हमें एक ही प्राप्त होगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ये, मैंने कितने स्टार दिए देख लेते हैं, अभी तक नहीं दिए, फाइव स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, फाइव स्टार क्वेश्चन है भैया ना ये, तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया। चलिए भाई अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की, ये भी फोर स्टार क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो फाइव स्टार ही ले लो, है ना। चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड ही लिखा है, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है sec थीटा प्लस वन डिवाइड बाय sec थीटा माइनस वन। अब मैंने आपको पहले ही बोला था, जब कभी भी ऐसा कुछ आपके पास आए तो आपको क्या करना होता है, हर का परिमेयकरण करना होता है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा sec थीटा प्लस वन, है ना, अंश एवं हर में दोनों में हमने गुणा कर दिया, ठीक है। अब चेक कीजिएगा, ये हमें देगा a माइनस का भी और a प्लस का भी, तो ये हमें मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, है ना, इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा, और अंश में मिलेगा sec थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एक प्लस का टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अगर मैं एक को उधर भेजूं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस वन का मान किसके बराबर, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, अंश में तो हमने पास क्या है, sec थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर है, और ये बन जाएगा हमारे पास किसके, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, अंश एवं हर दोनों में वर्गमूल ले लेता हूँ, तो ये मिलेगा sec थीटा प्लस वन और ये बनेगा टेन थीटा।
अब हमें लेकर के क्या आना है वो भी इंपॉर्टेंट है, हमें कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा लेके आना। तो एक काम करते हैं, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा लेकर के आना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं काम करता हूँ सेक थीटा और टेन थीटा अलग अलग भाग दे देता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि 1/10 थीटा तो कॉट थीटा बन जाएगा। अब इस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, और इस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। और ये आपका 1/10 थीटा क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉस से कॉस कट जाएगा, हमें मिलेगा 1/sin थीटा प्लस का कॉट थीटा। 1/sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा के बराबर, और प्लस का क्या मिलेगा, कॉट थीटा। और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। तो हमने यहां पर किस किस का प्रयोग किया, एक तो प्रयोग किया कि सेक थीटा को हमने लिखा 1/cos थीटा, ठीक है। फिर क्या लिखा, टेन थीटा को हमने लिखा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। फिर एक और प्रयोग में आया, क्या आया कि 1/10 थीटा, 1/10 थीटा को हमने लिखा किसके बराबर, कॉट थीटा के बराबर, ठीक है जी। और 1/sin थीटा कॉसेक थीटा, 1/sin थीटा जो है वो कॉसेक थीटा के बराबर। ये सारे के सारे सूत्र हैं जो हमने इस क्वेश्चन को हल करने में प्रयोग में लिए, ठीक है जी। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है जी। चलो भाई अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 24 है। ये पूरा का पूरा हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। अब तक आपको पता चल गया होगा कि इन क्वेश्चंस को हल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती यदि आपको सारे सूत्र कंठस्थ हैं, साथ ही साथ क्या है कि थोड़ी सी एलजेब्रा पे प्रैक्टिस है, जो कि 9th क्लास की एलजेब्रा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, गुणा में कितना है हमारे पास, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिएगा, राइट हैंड साइड में हमें साइन और कॉस चाहिए, तो क्यों ना हम संपूर्ण को ही साइन और कॉस में बदलते हैं। चलो बदलते हैं, 1+ का कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, है ना। टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है। होल डिवीजन में सेक क्यूब थीटा हमारे पास आएगा 1/cos³θ माइनस का 1/sin³θ, ठीक है। और गुणा में कितना है अपने पास, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है जी। ये चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्लियर है भाई, ये मामला समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अंश एवं हर दोनों में ही क्या करेंगे कि एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अंश एवं हर में एलसीएम लेंगे, तो अंश में तो आपका एलसीएम आएगा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां से एक पड़ा है यहां पर, तो एक का मतलब है बट्टे में यहां पर एक, ठीक है। तो एक से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। प्लस में चेक करना, अभी यहां पे साइन थीटा का भाग देंगे तो कॉस थीटा मिलेगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और उधर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो ये एलसीएम हमने ले लिया, बट्टे में हमारा एलसीएम आएगा क्या, साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा, है ना, क्योंकि दोनों ही हरों में ये दे रखे हैं, कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा। अब जब कॉस क्यूब थीटा का भाग दोगे तो साइन क्यूब थीटा इधर आ जाएगा, और साइन क्यूब थीटा का भाग दोगे तो कॉस क्यूब थीटा इधर आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास पहले साइन क्यूब थीटा और माइनस का कॉस क्यूब थीटा, तो ये आएगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा, ठीक है जी। ये हर एवं अंश के लसप लेने के बाद आए। एक चीज को नहीं भूलना है, जो यहाँ पर साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा के रूप में पड़ी है, ठीक है जी। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब हो क्या रहा है, एक चीज ध्यान देना, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा से कट रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना बन रहा है, एक बन रहा है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, साइन थीटा, नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
प्लस, उधर तो बन रहा है एक। अब ध्यान देना, ये कट गया तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या पड़ा है, साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। और ये बट्टे से बट्टे वाली राशि कहाँ चली जाएगी, अंश में चली जाएगी, लेकिन ध्यान रखना ये क्यूब नहीं है। अब क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। और गुणा में क्या पड़ा है हमारे पास, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। फिर से एक बार चेक कर लेना इसको, साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मैंने एक लिखा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, घात तीन थी, कैंसल आउट होकर के दो दो घात बच गई, तो मैंने दो दो घात ले ली, अबट्टे का बट्टा अंश में चला गया। फिर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा यहाँ पे पड़ा है, और ये चीज़ तो हमारे साथ में कब से चली रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कहीं यहाँ पे योगदान दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास क्या पड़ा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पर क्या था भाई, यहाँ पर था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर था हमारे पास साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है जी। और बट्टे में हमारे पास क्या है, साइन, अब ध्यान देना भाई मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ क्योंकि इस स्टेप और उस स्टेप में कोई फर्क नहीं होगा अगर सेम टू सेम लिख दूंगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या होता है, हालांकि हम काफ़ी बार प्रयोग में ले चुके हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, माइनस है तो ए माइनस का भी आएगा, फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस का कितना आएगा, ए भी आ जाएगा, ठीक है। बाहर माइनस है तो अंदर प्लस आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा क्या, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, और गुणा में कितना, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है भाई सभी को, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा क्योंकि बाहर माइनस आ चुका। अब ध्यान देना भाई, हमारा जो राइट हैंड साइड है वो केवल इतना ही है, गौर से देखो, है ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, केवल इतना ही हमारा राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अगर केवल इतना ही राइट हैंड साइड है तो इसका मतलब बाकी सारी जो राशियाँ हैं वो क्या होंगी, कटकटा जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कट गया, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि ये राशि और ये राशि सेम होनी चाहिए, देखते हैं सेम आएगा कि नहीं आएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो हमारा अंश में पड़ा ही है, बट्टे में देखिएगा, और ये अपना साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का एक, ठीक है। और बट्टे में क्या है, इसका मान एक हो जाएगा और प्लस का कितना, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों समान लिखा हुआ है, कट जाएगा, केवल बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है और हैंड्स प्रूफ हो गया, ठीक है जी। तो एक एक चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, हर बार हमने प्रयोग में लिया, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए भाई, है ना, यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को। चलिए अब हमारा अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 25वां, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, चीजें बहुत आसान है, बस सूत्र याद करने जितनी देरी है सारे क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। ये साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, प्लस में है यहाँ पर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ठीक है जी। चलिए अब देखिएगा, सबसे पहले इसको देखते ही पता चलता है कि हमें एलसीएम लेना चाहिए, लसब लेना चाहिए, तो लसब कितना आएगा हमारे पास, यही राशियाँ साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। ये इससे गुणा होगा, मतलब क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये इससे गुणा होगा, मतलब साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए
अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो सारे सूत्र यहाँ पर एक एक करके लग रहे हैं। ठीक है, चलिए इन सूत्रों को हम लगा देते हैं। तो देखिएगा हमें क्या प्राप्त होगा अगले पेज पे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से देखिएगा, ये तो प्राप्त होगा हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस में इधर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का टू टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि इनके बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। ठीक है, और हर में देखिएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका मतलब हर में कितना मिलेगा हमें, हर में मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, हमने सूत्र प्रयोग में जो किए हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या किए हैं, एक तो ए प्लस माइनस बी है ना, मैंने एक साथ ही लिख देता हूँ। ये आएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का टू ए बी, प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। ए माइनस बी और ए प्लस बी का जो गुणनफल आएगा वो आएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सूत्र हमने यहाँ पर प्रयोग में लिए। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं हमें क्या क्या मिल रहा है। ये तो बन जाएगा एक, ये भी बन जाएगा एक, एक प्लस एक दो, ये दोनों राशियां समान है लेकिन चिन्ह अलग अलग, तो कट जाएंगे। तो अंश में मिलेगा एक प्लस एक है ना, और बट्टे में कितना है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें प्राप्त होगा दो बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारा आंसर जो है वो ना तो ये तो है ही नहीं, हमारा आंसर या तो पूरा साइन में या पूरा कॉस में, तो हम इसके दो भाग कर देते हैं। दो भाग का मतलब है कि एक बार साइन को कॉस में बदलेंगे, एक बार कॉस को साइन में। तो दो बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और एक कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। एक बार क्या लिखूंगा दो बट्टे में, इस बार साइन स्क्वायर थीटा के पदों में लिखूंगा, तो क्या आएगा वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, पहले साइन स्क्वायर थीटा को चेंज किया इसमें और दूसरी बार कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज किया, तो ये हमें कितना देगा दो बट्टे में एक माइनस का टू टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, और एक ये हमें देगा दो बट्टे में, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना मिलेगा टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक मिल जाएगा। ठीक है जी, एक बार इस साइन स्क्वायर थीटा को परिवर्तित किया, एक बार इस कॉस स्क्वायर थीटा को परिवर्तित किया। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और यही दोनों अपने राइट हैंड साइड दे रखे हैं। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को। देख लीजिए, एक कॉस के रूप में ये रहा और एक साइन के रूप में ये रहा। मेरे हिसाब से मामला समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन 3 स्टार है। ठीक है, सारे क्वेश्चन अब जो है 20 और उसके बाद वाले सारे ही इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 26। 26वें में आपको दिखाई दे रहा है कि राइट हैंड साइड में साइन और कॉस की टर्म है ना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें यही करना पड़ेगा, जो साइन और कॉस में नहीं है उसे साइन और कॉस में परिवर्तित करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास 1 माइनस का ये कॉट है, हमें पता है कि कॉस को तो क्या परिवर्तित करेंगे, 10 को ही परिवर्तित करना पड़ेगा, तो ये कॉस से आएगा और 1 माइनस का इसे हम क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस है। ठीक है जी, और प्लस में ये अपने पास साइन ए है। ठीक है, तो इस कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर है भाई, अब हम क्या करेंगे, यहां पर भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और यहां पर भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए क्या मिलेगा, ये कॉस ए है, लसब लेते हैं तो कॉस ए माइनस का साइन ए, कॉस ए माइनस का साइन ए। अब ध्यान देना, जो लसब आया है बट्टे का बट्टा है वो अंश में जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए बना देगा। ठीक है, प्लस उसी तरीके से साइन ए माइनस कॉस ए यहां मिलेगा, यहां मिलेगा क्या साइन ए माइनस का कॉस ए। ठीक है, और बट्टे का बट्टा जो अंश में जाएगा तो ऊपर क्या बना देगा साइन स्क्वायर ए बना देगा। ठीक है जी, क्वेश्चन यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वें क्वेश्चन में हमें यही दे रखा है, जी हाँ हमें यही दे रखा है। ठीक है, अब देखिएगा, अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, थोड़ा गौर कीजिए। इनमें अगर हम उभयनिष्ठ की बात करें है ना, तो आप देख सकते हो Q
कि कॉस ए माइनस साइन ए या फिर साइन ए माइनस कॉस ए उबेनिस ले ले सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ वन अपॉन क्या उबेनिस लेता हूँ, कॉस ए माइनस का साइन ए जो है वो उबेनिस ले लेता हूँ। तब होगा क्या कि कॉस स्क्वायर ए तो यहाँ पर पड़ा ही रहेगा, ठीक है। अब जब कॉस ए माइनस साइन ए उबेनिस लिया है तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए, जब ये कॉस ए माइनस साइन ए बन करके बाहर आएगा तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, है तो सेम बट प्लस माइनस का फर्क है, यहाँ पर माइनस साइन के आगे यहाँ पर माइनस कॉस के आगे, ठीक है जी। तो ये हमारा जो इस तरीके से टर्म आ जाएगा। अब ध्यान देना, हमें चाहिए साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमारा अंश बनेगा कॉस ए प्लस का साइन ए, ठीक है, और गुणा में कितना, कॉस ए माइनस का साइन ए, कॉस ए माइनस का साइन ए, ठीक है। और बट्टे में क्या पड़ा है, बट्टे में पड़ा है हमारा कॉस ए माइनस का साइन ए। अब आपको पता है ये दोनों समान राशियां, कट जाएगी, आएगा क्या हमारे पास, कॉस ए प्लस का साइन ए आ जाएगा। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, और यही हमें लेकर के आना था, तो हैंड्स प्रूफ हो गया है, ठीक है जी। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मामला समझ में आ गया, हर एक स्टेप मैंने आपको बता दिया, जो सूत्र प्रयोग में आ रहे थे वो भी मैंने आपको साथ साथ में बता दिया। चलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला प्रयोग में आया मैं लिख देता हूँ, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है जी, क्लियर है, ए हमने किया। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यह भी अच्छा सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, कोसेक ए माइनस का साइन ए, है ना, और गुणा में क्या है, सेक ए माइनस का कॉस ए, ठीक है। अब हमें एक बट्टे में टेन ए प्लस कॉट ए लेकर के आना, चलिए तो सबसे पहले काम करते हैं इसको परिवर्तित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार, काफी बार मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चंस लिखने में भी, कॉस ए के माइनस का साइन ए और सेक ए माइनस का कॉस ए, ठीक है, एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब देखिएगा, इस कॉस ए के को हम क्या लिख सकते हैं, एक बट्टा साइन ए लिख सकते हैं, माइनस का यहाँ पर क्या पड़ा है, साइन ए पड़ा। इस सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, एक बट्टा कॉस ए लिख सकते हैं, और माइनस का कॉस ए पड़ा ही है, ठीक है। अब क्या होगा, एलसीएम लेते हैं, तो एक माइनस का साइन स्क्वायर ए बट्टे में कितना, साइन ए, ठीक है, और एक माइनस का कॉस स्क्वायर ए और बट्टे में कितना है, कॉस ए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि वन माइनस का जो साइन स्क्वायर ए है उसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ये वन माइनस का साइन स्क्वायर ए हमें क्या देगा, कॉस स्क्वायर ए देगा, और बट्टे में क्या पड़ा है हमारे पास, साइन ए पड़ा, ठीक है, और गुणा में क्या, वन माइनस का कॉस स्क्वायर ए क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर ए होता है, और बट्टे में कितना अपने पास, कॉस ए। अब ध्यान देना भाई, कुछ वैल्यूज कट रही है, कॉस ए से कॉस ए जा रहा है, साइन ए से साइन ए जा रहा है, तो हमें केवल अंश में क्या मिल रहा है, कॉस ए इंटू साइन ए प्राप्त हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें लेकर के कुछ और आना है भाई, हमें लेकर के कितना आना है, एक बट्टे में टेन ए प्लस कॉट ए लेकर के आना है, ठीक है। अब इसमें विचित्र परिस्थिति हो जाती है कि भाई क्या करें, तो कुछ भी नहीं है, टेन ए को हम साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसको जब भी ऐसी स्थिति आए इसको थोड़ा सा जो है वो सहायता ले लिया करो। तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है, देखो ये अपने पास है साइन ए अपॉन कॉस ए ना, केवल हेल्प ही लेनी है ना, और ये कितना है भाई अपने पास, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, तो साइन ए कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो साइन इंटू साइन कितना बन जाएगा, यहाँ से देखिएगा कॉस ए साइन ए जो है वो एलसीएम आ रहा है, ठीक है, एक है ही ऊपर। अब कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ पे आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए
और प्लस का कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ही आ जाएगा, और ये बट्टे का बट्टा अंश में चला जाएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमें कितना प्राप्त होगा, कॉस ए इंटू साइन ए और बट्टे में एक प्राप्त होगा। अब आप खुद देख सकते हो ये चीज़ तो अपने पास है ही। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसकी रिवर्स प्रोसेस करेंगे, कॉस ए साइन ए इसके बट्टे में एक लिखेंगे, बट्टे में एक लिखेंगे तो इसको एक को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर एक लिख सकते हैं, फिर उसको परिवर्तित करेंगे, देखिएगा कैसे, है ना। ये है मजे वाली चीज, हमें क्या दे रखा है, कॉस ए साइन ए दे रखा है, ठीक है, इसके बट्टे में हम एक लिख देते हैं। अब एक लिखने का मतलब है कि इस एक को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, और अंश में अपने पास कितना पड़ा है, कॉस ए साइन ए पड़ा है, ठीक है जी, क्लियर है। अब देखिएगा इस कॉस ए साइन ए को हम नीचे भेजेंगे, ठीक है, तो एक बट्टे में ध्यान देना, जैसे नीचे भेजेंगे तो हमें कितना मिलेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, बट्टे का बट्टा अगर अंश में जा सकता है तो अंश वाली राशि भी तो बट्टे के बट्टे में आ सकती है ना जी, तो कुछ मामला ऐसा बैठ जाएगा। अब दोनों को अलग अलग हम भाग दे देंगे, जो चीज़ हमने वहाँ पे देखी थी, तो एक बट्टा यहाँ पे हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस ए साइन ए, ठीक है, और प्लस में कॉस स्क्वायर ए और बट्टे में कितना है, कॉस ए साइन ए, ठीक है। अब क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल आउट होगा तो हमें कितना प्राप्त होगा, एक बट्टे में यहाँ पर साइन ए बट्टा कॉस ए, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर ये प्लस तो क्या है, हर में ही प्लस है, प्लस में कॉस से कॉस कैंसिल आउट होगा, ये कितना मिलेगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब अपने को पता होता है क्या कि साइन अपॉन कॉस टेन होता है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक बट्टा टेन ए और प्लस में कॉट ए आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस ए अपॉन साइन ए कितना बन जाएगा, कॉट ए बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये मामला आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है जी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 21वां, ठीक है, 21वां प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, देखते हैं इसको। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा, है ना, सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिखाई दे रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में एक माइनस का कितना है, टेन थीटा, प्लस में यहाँ पे अपने पास है साइन क्यूब थीटा और बट्टे में कितना है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है जी, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें पता है कि इस टेन थीटा को हमें खोलना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, इसे हम खोल देते हैं तो वन माइनस का कितना मिलेगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा मिल जाएगा, ठीक है, और प्लस में ये अपने पास साइन क्यूब थीटा तो है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन थीटा माइनस का क्या, कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम एलसीएम लेते हैं, ध्यान देना भाई, जैसे हम एलसीएम लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, देखिएगा हर में आएगा यहाँ पर क्या, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, बट्टे का बट्टा अंश में जाएगा तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, यहाँ पर हमारे पास साइन क्यूब थीटा है ना, और बट्टे में क्या है, बट्टे में हमारे पास साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, देखो भाई फिर से आ गया ये ना, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो मैं काम करता हूँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा उबेनिस लेता हूँ, तो ये माइनस का चिन्ह इसे दे देगा, तो नेक्स्ट में क्या आएगा अपने पास, ये आएगा अपने पास कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस का साइन क्यूब थीटा, ठीक है, और जो हमने उबेनिस लिया है ना, वो क्या होगा देखते हैं, हमने उबेनिस लिया है एक बट्टे में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से अब उबेनिस्ट आ गया, ठीक है, और इसके हर में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो ये हमारे पास ओनली क्या आएगा, ओनली आएगा यहाँ से कॉस क्यूब थीटा माइनस का साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब फिर से याद करो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ना याद है,
ये कितना आएगा, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब का फॉर्मूला। ये होता है हमारे पास ए माइनस का बी, यहाँ से प्राप्त होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और प्लस का कितना आएगा हमारे पास ए भी आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है ये वाला, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस का ए बी, प्लस का ए बी मतलब कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है यहाँ तक। और बट्टे में क्या पड़ा है हमारे पास, बट्टे में पड़ा है हमारे पास कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है जी। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये दोनों समान राशियाँ हैं, आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, प्लस का क्या बचेगा हमारे पास, कॉस थीटा साइन थीटा बच जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या यही राइट हैंड साइड है, देखिए एक प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा और एक प्लस का कॉस थीटा साइन थीटा, एक ही बात है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मामला आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल काफ़ी अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है, थ्री स्टार क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन में हमारा लेफ्ट हैंड साइड, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमें पी का मान दे रखा है, ध्यान दीजिए हमें किसका मान दे रखा है, पी का मान दे रखा है, और हमें सिद्ध जो करना है वो ये चीज़ सिद्ध करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार हमें दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर किसके, p के बराबर दे रखा है ना, और जो सिद्ध करना है वो भी हम लिख देते हैं, सिद्ध करना है क्या, p स्क्वायर माइनस वन और p स्क्वायर प्लस वन, है ना, ये बराबर किसके होना चाहिए, sin थीटा के बराबर होना चाहिए। तो जो सिद्ध करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड जो सिद्ध करना है उसका हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, पी स्क्वायर माइनस वन और पी स्क्वायर प्लस वन, तो p के स्थान पर मान रख देते हैं क्या, sec थीटा प्लस, यही दे रखा p का मान कितना दे रखा है, sec थीटा प्लस tan थीटा दे रखा, तो ये लिख देते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, है ना, माइनस वन, बट्टे में, बट्टे में क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, और क्या है भाई, प्लस का एक है। ठीक है, अब देखिए भाई, या तो आप इसे डायरेक्ट ओपन कर दें, ठीक है, या फिर साइन और कॉस में परिवर्तित करके भी क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एक बार तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ओपन कर देते हैं, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, sec स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का टू टाइम्स क्या आएगा, sec थीटा tan थीटा जाएगा, ठीक है, माइनस का वन है, और बट्टे में, बट्टे में क्या, sec स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस में टू टाइम्स sec थीटा tan थीटा, और यहाँ पे कितना भाई, प्लस का वन। अब इसे हम क्या करते हैं, sin और cos में परिवर्तित करते हैं, तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक बट्टा cos स्क्वायर थीटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, ये अपने पास टू टाइम्स है, sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक बट्टा कॉस थीटा, इससे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस का एक, क्लियर है भाई। चलिए अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और इसके हर वाली राशि भी सेम टू सेम यही आएगी, क्या आएगी, एक बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का कितना आएगा अपने पास, टू टाइम्स एक बट्टा कॉस थीटा और साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे केवल कितना जाएगा, प्लस वन। अब देखिएगा जब हम एलसीएम लेना चाहेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्रत्येक पद में, तो अंश एवं हर में हम लसब ले लेते हैं, किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का लसब ले लेते हैं। ठीक है जी, देखते हैं अंश में हम लसब लेंगे किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का, ठीक है, और सेम टू सेम हर में भी वही लसब आएगा किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का, ठीक है, और बीच में ये बड़ा वाला बट्टा ये रहा,
ठीक है। अब देखिएगा हमें दे क्या रखा है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से तो केवल एक आएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर टू साइन थीटा आएगा और वहाँ पे माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो देखिए यहाँ पर आएगा अपने पास कितना, एक और साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आएगा एक प्लस का कितना, एक और साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या, वही टू साइन थीटा, ये आएगा टू साइन थीटा, ठीक है। और माइनस का क्या आएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ पर सेम टू सेम, एक प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस का कितना, टू साइन थीटा, ठीक है। और इधर आएगा अपने पास प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये अंश में तो माइनस एक है और इधर क्या है अपने पास, प्लस एक है, ठीक है जी। ये मामला मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा क्या टर्म हमारे पास, बचेगा एक प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का टू साइन थीटा और माइनस का कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टे में एक प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का टू साइन थीटा और ये अपने पास प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। चलो अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर के क्या बना देगा, एक बना देगा, और ये एक और ये एक कितना बन जाएगा, दो बन जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान देना भाई, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर के एक बना देगा और हमें मिलेगा कितना, एक प्लस का टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा नहीं, ओनली टू साइन थीटा, ठीक है, और प्लस का यहाँ पर एक बनेगा। अंश में क्या है, अंश में आपका कुछ नहीं बन रहा, एक प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, एक प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का टू साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, यही बन रहा है ना, इसके अलावा कुछ नहीं बन रहा। चलिए अब यहाँ से हम देखेंगे एक प्लस एक कितना हो जाएगा हमारे पास, दो हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये दो प्लस का दो साइन थीटा, ठीक है, और अंश में अपने पास एक प्लस का कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का टू साइन थीटा और माइनस का, ये अपने पास माइनस का कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा हमें जो लेकर के आना है ना, हमें जो लेकर के आना है वो क्या लेकर के आना है, हमें जो लेकर के आना है वो लेकर के आना है यहाँ से यहाँ पे देर का, ओनली इसका मान साइन थीटा आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हमारा जो टर्म है, जितने भी टर्म है अंश वाले हैं, उसको एक बार देखते हैं। ये अपने पास एक पड़ा है प्लस का साइन स्क्वायर थीटा पड़ा है प्लस का ये टू साइन थीटा पड़ा है, इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख लेते हैं, वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हर में दो बेनिस ले लेता हूँ या पड़ा रहने देता हूँ, एक बार दो प्लस का दो साइन थीटा एज इट इज, ठीक है। अब ध्यान देना भाई, माइनस का एक है और ये प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ से अगले स्टेप में, या इसको यहीं लिख देते, देखिएगा यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, एक पड़ा ही है, एक प्लस का कितना, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर टू साइन थीटा है प्लस में टू साइन थीटा, ठीक है, फिर क्या है, माइनस एक है, माइनस एक, और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे में कितना पड़ा है, बट्टे में टू प्लस का टू साइन थीटा पड़ा, ठीक है। अब ध्यान देना, प्लस का एक और माइनस का एक कट गया, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा जुड़ करके टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा बना देंगे, है ना। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस का टू साइन थीटा और बट्टे में कितना भाई, बट्टे में टू प्लस का टू साइन थीटा, ठीक है। अब अगर मैं अंश से साइन थीटा उभयनिष्ठ ले लेता हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पर,
टू साइन थीटा प्लस का टू बचेगा, और हर में भी क्या है टू प्लस का टू साइन थीटा, ठीक है। तो ये दोनों राशि आपस में कट जाएगी, केवल अपने पास कितना आएगा साइन थीटा आएगा, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। तो मेरे हिसाब से मामला आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वापस रिवाइंड करके देख लीजिए, एक एक स्टेप मैंने आपको अच्छे से बताया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड सीधा मैं लेता हूं कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी का जो मान है वो हमें एन स्क्वायर के बराबर लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम एम और एन के मान जो है यहां पर रख देते हैं। तो एम स्क्वायर का मतलब कितना होगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए बट्टे में कॉस स्क्वायर बी, है ना। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिया तो ये एन स्क्वायर हटा देता हूँ, और प्लस में कितना है भाई अपने पास यहाँ पर, एम और एन एक बार चेक कर लेता हूँ, यही है कि कुछ और है, कॉस ए अपॉन कॉस बी, कॉस ए अपॉन साइन बी, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर एन स्क्वायर मतलब आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए बट्टे में कितना साइन स्क्वायर बी, ठीक है। और गुणा में अपने पास क्या पड़ा है, गुणा में अपने पास पड़ा है कॉस स्क्वायर बी। चलिए, अब जैसे ही मैं इसका एलसीएम लूंगा, लसब लूंगा, तो हमें कितना प्राप्त होगा देखिएगा, लसब लूंगा तो हर में तो आएगा अपने पास कितना कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर, कितना आएगा साइन स्क्वायर बी आ जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर बी आएगा। अब जैसे ही लसब लूंगा तो देखिए साइन स्क्वायर बी गुणा होगा कॉस स्क्वायर ए से, और कॉस स्क्वायर ए बी गुणा होगा कॉस स्क्वायर ए से, ये चीज दे रखिए, दोनों का अंश समान है, बिल्कुल सही है। तो कॉस स्क्वायर ए इंटू ध्यान देना साइन स्क्वायर बी की गुणा होगी कॉस स्क्वायर ए से, तो यहां से आएगा साइन स्क्वायर बी की गुणा होगी कॉस स्क्वायर ए से, और प्लस में कॉस स्क्वायर बी की गुणा होगी किससे, कॉस स्क्वायर ए से, ठीक है। और गुणा में अपने पास कॉस स्क्वायर बी जो है वो पड़ा है, ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर बी जो है वो कॉस स्क्वायर बी से कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान देना इसमें कुछ उभयनिष्ठ आ रहा है, उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए उभयनिष्ठ आ रहा है, तो मैं कॉस स्क्वायर ए उभयनिष्ठ ले लेता हूँ, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर बी प्लस का कॉस स्क्वायर बी, और बट्टे में हमारे पास यहाँ पर है साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी समान कोण है, तो ये कितना होगा एक हो जाएगा, ठीक है। गुणा में कितना भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर बी पड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉस ए अपॉन साइन बी चेक करो, कॉस ए अपॉन साइन बी हमें एन दे रखा है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा एन का स्क्वायर, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हमने इस कंप्लीट एक्सरसाइज कर लिया है, ठीक है। और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, है ना, और समझिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।